अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, आज हम लोग जा रहे हैं सवात मियादम से नारान, और जो सफ़र के लिए हम रास्ता यूज़ करेंगे उसके बीच में आएगा शांगला टॉप और बेशाम सिटी, और इन दो मेन जगहों से होते हुए हम पहुंचेंगे नारान। और ये जो हमारा सफ़र है ऑलमोस्ट 8.5 घंटे का होने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। इस वक्त जनाब हम शांगला टॉप के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम वहाँ पहुंच जाएंगे। और ये रास्ता बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी रोड है, बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है और कोई ऐसे ख़राब पैचेस भी नहीं मिले। तो अगर आप सवात से नारान लंबी ड्राइव करना चाहते हैं तो आप ये रास्ता ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी आगे का सफ़र कैसा रहता है, लेकिन अभी तक रोड बहुत अच्छी जा रही है। सो जनाब, हियर वी आर, वी हैव फाइनली रीच्ड द शांगला टॉप एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट आई हैव एवर विजिटेड। लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस बिफोर वी कंटिन्यू आवर जर्नी। अभी हम पहुँचे हैं बेशाम। यहाँ से हम कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। बेशाम का बाज़ार बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, आपको ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। We are crossing the Balakot city at the moment. नारान की खूबसूरती के बारे में तो सबने ही सुना होगा, वो खूबसूरती वहाँ जाके ही देखेंगे, लेकिन नारान पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था सुबह तकरीबन 9 बजे और अभी शाम हो चुकी है। हम यहाँ पे तो सर रेस्ट कर रहे हैं और फिर आगे चलेंगे। इस वक्त जनाब बज रहे तकरीबन 8:30 और आपको देखें दूर से ये नारान की लाइट्स नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जनाब हम नारान पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहुँचते ही हम नारान बाज़ार में आ गए ताकि थोड़ा सा घूमें फिरें और कुछ शॉपिंग कर लें। तो जनाब, जब तक मैं शॉपिंग करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।